नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमें अब सॉल्व करना है यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब भी लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग तो आपने समझ आना कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ना आपने रूल्स याद रखने हैं कौन से फोर रूल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज होंगे फर्स्ट ये है कि जब हमारे पास कोई वैल्यू प्लस हो इक्वल के साइड पर तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी माइनस ठीक है साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा यानी कि हम वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं विथ चेंजिंग दी साइंस यानी कि जब हम साइंस को चेंज करते हैं तो हमारे पास वो भी वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाती हैं सेकेंडली अगर माइनस हो तो वो किस में हो जाता है कन्वर्ट प्लस में थर्ड क्या होगा अगर मल्टीप्लाई हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में एंड फोर्थ ऑपोजिट इसके डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बहुत सिंपल्स है जो प्लस है तो साइड पे जाके माइनस माइनस है तो प्लस एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हमें ना एक्स की वैल्यू चाहिए यानी कि अन की वैल्यू चाहिए और कुछ वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि इक्वल सेंटर में भी लगा हुआ साइड पे भी लगा देते हैं हालाँकि ये बिल्कुल अपोजिट है ये गलत है ऐसा नहीं करेंगे अगर सेंटर में इक्वल लगा हुआ है तो हम बाहर नहीं लगाएंगे अच्छा जी सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ना इक्वल के इस साइड पर सबसे पहले आपने इतने पार्ट को देखना है कि इक्वल के इस साइड पर क्या है एक्स्ट्रा प्लस टू ये जो किसी भी वैल्यू का साइन उससे पहले होता है ये बात आपने याद रखनी है किसी भी वैल्यू का साइन उससे पहले होगा अब ये टू इस साइड पे प्लस हो रहा है तो हम जब उसको इंटरचेंज करेंगे यानी कि उसका ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस तो एक्स अच्छा यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का एक और मेथड है आपने क्या करना है सबसे पहले तो जिसको ट्रांसफ़र करना है उसको इग्नोर कर दें एक्स ये प्लस भी इग्नोर हो रहा है ठीक है एक्स इक्वल सेवन तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा जो मुझे नज़र आ रहा था ठीक है आपने उतना लिखना है तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे एक्स इक्ल एंड सेवन अब जिसको आपने ट्रांसफ़र करना था अब उसको देखते हैं इस साइड पे इक्वल में इक्वल के साइड पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा माइनस सिंपली ये हमने किया कि इक्वल के, के साइड पे क्या हो रहा है प्लस उस साइड पे जाके माइनस हो गया मैं यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस सेवन में से टू निकाला तो हमारे पास क्या आ गया फाइव तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है ऐसी वैल्यू देखनी है जो प्लस माइनस वाली हो फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे ऐसा नहीं आपने करना पहले थ्री को देखा थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा नहीं वो अगर ब्रैकेट में है तो फिर हम थ्री को करेंगे पहले अदरवाइज प्लस या माइनस की वैल्यू को ही सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे तो जिसको ट्रांसफ़र करना है पहले इसको इग्नोर करके जो जितने भी बाकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे जैसे कि हमारे पास थ्री एक्स इज़ इक्वल ट्वेंटी थ्री आ रहा है थ्री एक्स इज इक्वल ट्वेंटी थ्री अब इसको इसको ट्रांसफर करना था ये माइनस है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऐड करने से हमारे पास क्या आया ट्वेंटी फोर अब यहाँ पे देखें कोई साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन दोनों के दरमियान लेकिन आपने बात याद रखनी है कि अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट के दरमिया कोई साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है उधर मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट करता है थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा थ्री वन जी थ्री थ्री एट जो ट्वेंटी फोर तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एट बहुत ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन है ये थर्ड देखें वो भी पार्ट थोड़ा सा जरा चेंज है वैसे है बहुत इसी है अब देखे यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू है तो जब भी हमारे पास कोई इक्वलिटी में इक्वल में इस साइड पर भी दूसरी साइड पर भी एक्स की वैल्यू मौजूद हो तो हम क्या करते हैं वेरिएबल को सेम एक जगह कर देते हैं और कोफिशेंट को एक जगह कर देते हैं अब वेरिएबल क्या है एक्स वाई जी में से कुछ होगा और कोफिशियट कोई नंबर कोई सिंपल कोई वैल्यूज होंगी ठीक है सबसे पहले वाली वैल्यू तो एज डिज़ रहेगी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना क्योंकि सेंटर में आ गया हुआ है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या है टू टू जो है कॉमन है एक्स का और टू का दोनों का इसका मतलब मैं इस टू को एक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और फिर इस टू को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगी ठीक है जब भी हमारे पास ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है तो हम इनको ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू जो है यहाँ पे एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो वन टू वन जू और साथ आ जाएगा प्लस टू टू ज़ा फोर ओके जी अब हम क्या करेंगे अपना वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है या कोफिशिएंट है उनको हम एक तरफ कर देंगे सबसे पहले पहले देखें एक ये 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 हमारे हमारे पास पास तो तो इस इस तरफ तरफ ही ही रहेगा इसको हमने चेंज नहीं करना नेक्स्ट दूसरे इक्वल इक्वल दूसरी देखा तो ये हमारे पास 2X है है पे इस पे पे साइड साइड प्लस हो इस पे हो रहा क्या जाएगा माइनस का साइन लगाया फोर से ही था इस इसको इस तरफ किया तो माइनस का हो गया कोफिशेंट सॉरी जो कांस्टेंट था वो पहले फोर पहले से ही था प्लस फोर और ये प्लस था इस साइड पे आके माइनस हो गया आप सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं इसके साथ कोई साइन उसके साथ प्लस का साइन होता है प्लस माइनस माइनस फाइव में से टो तो निकाला तो थ्री एक्स इज इक्वल प्लस माइनस माइनस सेवन में से फोर निकाला तो थ्री लेकिन साइन हमेशा हम बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं जो कि नेगेटिव है अब देखें थ्री और एक्स इनके दरमियान कोई साइन नहीं लेकिन हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा थ्री वन जो थ्री थ्री वन जॉ थ्री अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं वो क्या करते हैं आ, कट करके खाली जीरो लिख देते हैं हालाँकि थ्री वन जॉ थ्री एंड थ्री वन जो थ्री और वन नीचे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो फोर्थ है ये बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है ये तो first की तरह ही है इसमें हम क्या करेंगे 5X. अब हमने सबसे पहले जो माइनस की वैल्यू है उसको ट्रांसफर करना है तो इसको इग्नोर कर देते हैं बाकी सारा लिख देते हैं देखिए इसको इग्नोर किया तो आ रहा है 5X is equal 44. अब जिसको ट्रांसफर करना है उसको देखते हैं आके है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिफ्टी फाइव एक्स फोर्टी फोर में वन ऐड किया तो फोर्टी फाइव अब देखें फाइव और एक्स के दरमियान कोई साइन नहीं लेकिन वी नो डेट कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा फाइव वन जो फाइव फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव तो एक्स की वैल्यू आ गई नाइन ठीक है फाइव देखें अब फाइव में ना सिंपल वैल्यूज दी हुई हैं और वेरिएबल है हमारे पास टी इसमें ना वेरिएबल टी है ज़्यादातर हम x यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे वेरिएबल t यूज़ किया हुआ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है ये t एक वेरिएबल है अब हमने सबसे पहले देखना है दोनों तरफ t हैं इसका मतलब हम क्या करेंगे पहले वेरिएबल को इकट्ठा करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा चले हम एरो लगा लेते हैं थर्टीन टी ये यह यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो गया माइनस इक्वल का साइन लगाया प्लस सिक्सटीन पहले से है और यहाँ पे फोरटीन माइनस हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस ठीक है अब देखिए थर्टीन के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है प्लस माइनस माइनस थर्टीन में से थ्री निकाला तो टेन आ गया और साथ में आ गई वैल्यू जो वेरिएबल की थी ठीक है अच्छा जी प्लस 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 सिक्सटीन में हमने क्या ऐड किया फोर <coughs> तो हमारे पास क्या आया थर्टी क्योंकि फोर में सिक्स ऐड किया तो टेन जीरो वन कैरी वन टू थ्री अच्छा जी टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज दोनों वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट करता है ये कॉमन सी बात है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हमने डिवाइड किया इसको टेन वन ज टेन एंड टेन थ्री जटी तो टी की वैल्यू आ गई थ्री ओके जी अब सिक्स में देखें थोड़ा सा लेंथी uh, है लेकिन है बहुत आसान है जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देती हूँ हमने किया था ये वाले क्वेश्चन में ये देखें ये टू को हमने मल्टीप्लाई किया था और फिर नेक्स्ट सॉल्व किया था इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में भी सॉल्व है ठीक है तो हम इसी तरह सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस वेरिएबल के साथ उस नंबर के साथ जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं ना इस सारी वैल्यू को दोबारा लिख लेती हूँ ठीक है ताकि हम जब प्रोसेस करें तो हमारा इजीली प्रोसेस हो जाए इज इक्वल फाइव इंटू टी प्लस थ्री इस थ्री ने होना है मल्टीप्लाई इस टी के साथ फिर होना है वन के साथ तो सबसे पहले इतनी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट पे जाएंगे देखें जरा थ्री यहाँ पे टी के साथ कोई वेरिएबल नहीं तो वन सॉरी कोई कोफिशन नहीं तो वन थ्री वन थ्री और टी एज इट इज माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है थ्री वन जी ये हो गया हमारे दो क्योंकि अंदर टू टर्म्स थी तो टू ही हमारे पास बाहर आ जानी थी जब हमने इसको सॉल्व करना था अब हम माइनस टू को सॉल्व करते हैं पहले टू टी के साथ फिर प्लस थ्री के साथ तो देखें माइनस यहाँ पे कोई साइन तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस प्लस माइनस होता है टू टू जा फोर एंड टी माइनस प्लस माइनस टू थ्री जा सिक्स ठीक है अब मैं आपको एक और भी यहाँ पे चीज बता दूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन एग्जिट कर रहा हो तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं देखें इसका भी साइन ऑपोजिट हो गया इसका भी साइन ऑपोजिट हो गया और साथ में इस इस कॉन्स्टेंट ने अंदर मल्टीप्लाई भी होना है टू टू जै फोर टू थ्री सिक्स सिंपल अब फाइव को हम करते हैं टी के साथ तो आएगा फाइव वन ज़ा फाइव क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशियन नहीं तो वन एग्जिस्ट करता है फाइव वन जो फाइव एंड टी प्लस फाइव थ्री फिफ्टीन ओके okay. अच्छा जी नेक्स्ट अब हमने क्या करना है वेरिएबल को इकट्ठा करना है पहले तो हम इधर वाले वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं फिर नेक्स्ट इसको देखेंगे कि किस तरह हम इनको अरेंज करते हैं ठीक है या एक ना आप ये भी काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप इस तरफ लाएं और इकट्ठा इसको सॉल्व कर लें तो मैं यहाँ पर सिंपली कर रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो प्लस अब देखें टी के साथ जैसा कोई है यस ये है ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इधर से ये जो हमारे पास सिंपल कॉन्स्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस थ्री में से थ्री सॉरी फोर में से थ्री निकाला वन टी और साथ में साइन जो है वो नेगेटिव आएगा अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी वेरिएबल को प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास कभी भी उसकी पावर चेंज नहीं होती वो वही रहती है नेक्स्ट माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का तो थ्री में सिक्स ऐड किया तो हमारे पास आ गया नाइन और ये जो साइड है ये एज इट इज़ रहेगी क्योंकि अभी हमने इसमें वर्किंग नहीं की अब हम क्या करते हैं अब हम कोफिशेंट्स और वेरिएबल्स को सेम uh, इकट्ठा करते हैं ये इस तरफ है इसको इस तरफ ही रहने देंगे टी वाली वे, वे, जो वैल्यू है इसके साथ प्लस का साइन है तो इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा माइनस का साइन इज इक्वल फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन पहले से ही है नेक्स्ट इधर से देखा तो ये माइनस का साइन है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बताने लगी हूँ कि आपने कैसे देखना हमारी वैल्यूज़ पूरी हैं या कौन सी रह गई है कौन सी आने वाली है तो सबसे पहले आपने देखा फर्स्ट लिख ली तो इसको ना आप टिक लगा लें फिर दूसरी तरफ आपने किया तो टिक लगा लिया फिर इक्वल का साइन लगा के फिफ्टीन लिख लिया तो आपने देखा हमारे पास नाइन अभी बचा है तो नाइन को जब हमने ट्रांसफर किया तो उसका साइन क्या होगा पॉजिटिव तो ये दोनों सॉल्व हो गए अब बस सॉल्व करना हमने माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का वन और फाइव को ऐड किया तो हमारे पास आ गया सिक्स फिफ्टीन और नाइन को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया ट्वेंटी फोर ये अब देखें अब आपने ध्यान से इसमें डिफरेंस रखना है कुछ वैल्यू होती है सिक्स माइनस टी इसका मतलब होता है कि जो सिक्स है वो प्लस हो रहा है और टी जो है माइनस हो रहा है लेकिन जब आ जाता है ना माइनस सिक्स टी इसका मतलब है माइनस सिक्स एक अलग से वैल्यू है और वो मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ

14 को पहले हमने करना है टू टी के साथ फिर करना है थ्री के साथ तो हम 14 को जब टू से करेंगे टू फोर एट टू वन जार टू और टी एज इट इज यानी कि 14 को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी एट और टी आ गया ठीक है उसके बाद माइनस फोर्टीन को थ्री से किया तो फोर्टीन को हमने थ्री से करके देख लेते हैं यहाँ पे आ गए ट्वेल्व एंड थ्री 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 एंड फोर फोर्टी टू फोर्टी टू आ गया उसके बाद अब हमने करना है माइनस टू को टी के साथ तो ये वजह से सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे अब अब ने भी होना 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 है है पहले के के साथ फिर होना है, के साथ फिर मैं आपको बता ये एरो लाजमी नहीं है आप अगर अपनी आसानी के लिए पेंसिल से लगाएं और बाद में इसको रिमूव कर दें टेन थ्री थर्टी एंड टी एज इट इज माइनस टेन फोर जो अब मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव होता तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाने थे ये हो जाना था माइनस का ये हो जाना था प्लस का अब जी वेरिएबल को हम सेम करते हैं देखिए ये वेरिएबल टी ये वेरिएबल टी इनको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी एट में से टू निकाला तो आ गया हमारे पास ट्वेंटी सिक्स और टी और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा ठीक है ये भी सॉल्व हो गया अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का फोर्टी टू में फोर ऐड किया तो फोर्टी सिक्स

अब नेक्स्ट इस तरफ देखें ये भी हमारा हो गया ये रह गया तो इसको जब हमने उस तरफ ट्रांसफर करना है तो ये माइनस का साइन होता है तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में ओके जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस थर्टी में से ट्वेंटी सिक्स माइनस किया तो हम थर्टी में से क्या करते हैं ट्वेंटी सिक्स माइनस कर देते हैं यहाँ आ गया हमारे पास फोर फोर और साइन आएगा नेगेटिव का और टी है उसके बाद माइनस प्लस माइनस फोर्टी सिक्स में से हमने निकाला फोर्टी uh, को माइनस किया तो हमारे पास आ गया ओनली सिक्स अब ये माइनस यहाँ पे माइनस फोर फिर से वही प्रोसेस हो गया माइनस फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड अब ये दोनों जो है वो एक ही टेबल में आ रहे हैं जो कि टू 4, टू जो फोर टू थ्री सिक्स है अब मैं आपको बता दूं ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा और थ्री बाई टू जो है वो हमारा आंस आ जाएगा ओके ये हमारे पास एट क्वेश्चन है अब इसमें सिंपली क्या करना है पहले तो हमने ये जो कांस्टेंट है ये उधर चला जाएगा टू एक्स प्लस फाइव फोर यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके होल का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं फ़ोर टू ज़ा एट एक्स और फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी अब हम ना कोफिशन जो हमारे पास वेरिएबल है हम उनको एक तरफ काट लेते हैं ये यहाँ पे प्लस हो रहा है साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये ट्वेंटी पहले से ही है प्लस माइनस माइनस अब एट में से थ्री निकाला फाइव और साइन आएगा माइनस का ट्वेंटी माइनस वन फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा फाइव वन फाइव फाइव फोर ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर